हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, अपराजिता के प्लांट पर तो फूल खिल रहे, इसमें कभी भी मिनी बल्ब नहीं लगते हैं। जैसे कि मिनी बल्ब का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे जो गुड़हल का प्लांट, हिबिस्कस, अड़हुल फूल, जो भी अपने अपने नामों से जानते हैं, उस पौधे में तो बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, जो व्हाइट वाले कीड़े होते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए देखिए, मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ होममेड। जैसे कि अगर वो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए ना, तो हमारे पौधे को नुकसान नहीं होते हैं। देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। इसी प्लांट पर वो पूरी तरीके से जो है फैल चुके हैं। आप थोड़ी सी भी इग्नोर कर दो ना, तो ये प्लांट हमारे पास से चला ही जाएगा, मान ही लो। अब मैं थोड़ी सी इग्नोर क्या कर दी, थोड़ी सी नज़र आ रहे थे पर मैं थोड़ी लेट कर दी। आप ये गलती ना करें। उससे होता क्या है कि अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे पूरी प्लांट को ये ख़राब तो करते ही करते हैं। सारे कलिया का जो रस है वो चूस लेते हैं, और जो कलिया है हमारे वो बढ़ते नहीं है ठीक से, उन टेढ़े कुबड़े हो जाते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में ना आप सबको दिखाऊंगी, आप सब वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा मैं होममेड क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो ब्रांच देख रहे हो कितने हेल्दी है, अच्छे नज़र आ रहे, ठीक है। जितने भी हमारे पास गुड़हल के प्लांट होते हैं, यानी देसी वाला, हाइब्रिड वाला, बहुत प्रजाति में ये गुड़हल का प्लांट पाए जाते हैं, आप सभी को तो पता ही है। तो देखिए, ये जो है ना बहुत ही बदतमीज कीड़ा है, यानी कि एक तो अगर आ गया ना तो ये कभी जाते नहीं, ढीठ है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे टेढ़े हो गए, मेरी सारी कलिया कुबड़े जैसे हो गए। देखिए सब ऊपर की ओर होना चाहिए, तो ये ऐसे सो गए हैं, यानी कि इनको ऊपर की ओर होने ही नहीं दे रहे। इनको पूरा एनर्जी ये पूरे चूस चूस कर ले ले रहे, तो ये अच्छे तरीके से खिलने रहे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी कलियाँ जो है वो गिर जाएंगे। और हम इतनी मेहनत करते एक फूल के लिए, और ये कीड़े जो है हमारी सारी मेहनत में पानी फेर देता है ना। तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी समय रहते भर में इसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई करते हैं केमिकल से यूज कर इस कीड़े को भगाते हैं, पर बहुत सारे लोगों के पास केमिकल दवा नहीं होती है, तो वो सोचते रह जाते हैं कि हम ऐसा क्या डालें जो हमारे पौधे हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। ये सब कीड़े से छुटकारा आप पाना चाहते हो तो कर सकते हो। मान लीजिए देखिए, ये पॉट में लगा हुआ है, तो हम लोग तो इसे इलाज कर सकते हैं, पर ज़मीन में लगे रहते हैं पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उससे भी इस तरीके से इलाज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये देख रहे हो करेला है, इसके ऊपर के जो छिलके हैं उससे बहुत लोग निकाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे निकाल दिया। ये बहुत कड़वा होता है, आप सभी को पता है, ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, तो हमारे पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। अब देखिए मैं इसको ना क्या करूँगी, पीस लूँगी मिक्सी जार में, इसे हमें पीस लें। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, पानी लेंगे, थोड़ी सी आधा मग ले लीजिए। अब इस पेस्ट को पानी में हमें ऐड कर देना है, जितने भी है सारे ऐड कर दीजिए। ये बिल्कुल देखिए हेल्दी भी होता है, आप सभी को पता है, और ये ना जब कीड़े इसके रस चूसेंगे ना, तो कीड़े को बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगेगा। अब देखिए इसे हमें अच्छे तरीके से ना छान लेना है, आपके पास जो भी है उससे आप छान लीजिए, चाहे छन्नी से छान लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, जो भी है, तो अच्छे तरीके से आपको छान लेना है, जैसे हम स्प्रे बोतल में डालें तो ये फंसे ना। और इसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे, वो भी बिल्कुल होममेड है और ऑर्गेनिक ही है, हम लोग उसे खाने में भी यूज करते हैं, वो है मीठा सोडा, जो वाइट कलर के होते हैं ना, जो सोडा बोलते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं दोस्तों, बेकिंग पाउडर एक अलग होता है, वो भी सोडा की जैसी दिखती है, पर ये है मीठा सोडा इसे बोलते हैं। ये खुला भी 5 रुपये का मिल जाता है, बहुत सस्ते मिलते भी हैं। तो इसे देखिए आधा चम्मच आपको ना, आधा लीटर पानी में आधा चम्मच डाल दीजिए, उसको अच्छे तरीके से घोल दीजिए। अब हमें करना क्या है, देखिए जितने भी फंगस लगे हुए सब में स्प्रे करना बहुत अच्छे तरीके से। आप दोपहर को स्प्रे मत करिएगा, दोपहर को होता क्या है, धूप रहती है, हम स्प्रे करते हैं ना तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो ये पौधे जो है अच्छे तरीके से रस नहीं पी पाएंगे। हम शाम के वक्त करेंगे, जैसे 4-5 बजे के आसपास आप स्प्रे करते हो ना, तो ये बहुत देर तक जो है पौधे में पानी रहते हैं और इनके टहनी में भी रहते हैं, तो इनके जो रस जहाँ जहाँ जाएंगे, तो ये जो फंगस है ये जैसे जैसे पियेंगे तो सारे मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो आपको कम से कम 5-6 दिन में ये काम करना है, ज़रूर करें 5-6 दिन में, मतलब एक हफ्ता में 2 बार आप कर लीजिए, या तो फिर 3 दिन भी छोड़कर आप कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगी। और जितने भी सारे प्लांट पर लगे हुए हैं
अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना है आपको, जैसे कि जहाँ जहाँ पर पत्ते के नीचे, टहनी में, कलियों के पास, हर जगह आपको स्प्रे करना। तो एक हाथ से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप सबको मैं इसे स्प्रे करके फिर आप सभी को दिखाऊंगी कि मैंने सारे प्लांट को कर दिया है। और बहुत सारे ऐसा पौधा होता है हमारे पास जो जिसमें मिनी बल्ब लग जाते हैं या फिर सब्जियों वाले पौधे पर भी ये अटैक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गार्डन में एक बार आ गया ना, तो ये जहाँ जहाँ इसको पसंद है जाना वहाँ वहाँ तो ये ले ही जाते हैं। तो देखिए मैंने इसे जो है हर जगह स्प्रे कर ले रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से बन नहीं रहा यार, तो मैं मोबाइल रख कर फिर इसको मैं स्प्रे कर लूँगी पूरी प्लांट पर, तब जाकर मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ कुछ चले गए हैं और अभी भी है यहाँ पर, तो और भी नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़रूर करूँगी 2-3 दिनों के बाद। ये करना बहुत ज़रूरी है, आप अपने गार्डन से इसे भगाना चाहते हो तो आप ये काम फटाफट से कर लीजिए और देखिएगा आपके प्लांट पूरा हेल्दी हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से फूल भी खिलेंगे, इनकी कलियां भी बनने लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ना गुड़हल के पौधे को ध्यान रखें, इग्नोर मत करें, इग्नोर करोगे तो फिर आपके हाथ से ये चला जाएगा। एक तो इतना महंगा होता है हिबिस्कस का प्लांट, 80 रुपये में मिलते हैं हाइब्रिड वाले, तो हम लोग इतने महंगे ला कर क्यों अपने पौधे को ख़राब करें। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।